हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी के बारे में, जिसे फ्रेंड्स जो हमारा थ्योरी पोर्शन था, जिसका फ्रेंड्स नाम था साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टेड डिजीजेस, जिसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स साइटोलॉजी के अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आप सभी को इसका पार्ट नंबर वन यानी फ्रेंड्स साइटोलॉजी के बारे में, सेल के बारे में, और जो फ्रेंड्स सेल के जो मेन पार्ट्स होते हैं उन सभी के बारे में मैंने फ्रेंड्स आप सभी को एकदम कंप्लीटली वीडियो प्रोवाइड करा दिया। फ्रेंड्स आप सभी ने उस वीडियो को नहीं है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं, मैं फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आज ये मेरा फ्रेंड साइटोलॉजी से संबंधित फ्रेंड्स मेरा सेकंड पार्ट है। फ्रेंड्स कौन सा नंबर पार्ट है, तो ये फ्रेंड्स मेरा सेकंड पार्ट है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं अपने हर वीडियो में आप सभी को भली बात बताते हुए चला आ रहा हूं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में कितना अचीव करना, तो फ्रेंड्स 90 प्लस मार्क्स को अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाना है, यानी फ्रेंड्स 90 प्लस मार्क्स को अचीव करना है। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स यही एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो आज फ्रेंड्स देखते हैं कि साइटोलॉजी के अंदर हमारा जो फ्रेंड्स सेकंड पार्ट है, इसमें फ्रेंड्स हम किसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे सेल के पार्ट्स के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो सेल के पार्ट, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को सेल के बारे में बता दिया था कंप्लीटली, जो सेल के फ्रेंड्स कह सकते हैं जो मेन पार्ट होते थे जिसके उसके बारे में फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बता दिया। फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बता दिया। तो मैंने फ्रेंड्स उन सभी के बारे में कह सकते हैं कि बहुत ही डिस्कस आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिस्कस किया, और फ्रेंड्स आप सभी को इस वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, आपने जितना प्यार दिया कल वाली वीडियो में आप सभी को उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। तो आज फ्रेंड्स हम सीखेंगे सेल के टाइप्स के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो सेल के टाइप्स के बारे में। फ्रेंड्स सेल जो होते हैं फ्रेंड्स यानी जो कोशिका होती है फ्रेंड्स वो कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा पहली बात आप देख ही रहे होंगे कि जो फ्रेंड्स हमारा जो सेल होता है, जो कोशिका होती है वो फ्रेंड्स कितने प्रकार की होती है, तो जो फ्रेंड्स कोशिका होती है वो फ्रेंड्स दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? तो जो कोशिका होती है फ्रेंड्स वो दो प्रकार की होती है। पहली जो फ्रेंड्स हमारी कोशिका होती है वो फ्रेंड्स होती है प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारी दूसरी कोशिका होती है फ्रेंड्स वो कौन सी होती है, तो वो फ्रेंड्स होती है यूकैरियोटिक सेल। तो आई होप अब आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि कोशिका फ्रेंड्स कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स कोशिका दो प्रकार की होती है, यानी फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, और फ्रेंड्स जो दूसरी हमारी कोशिका होती है वो फ्रेंड्स होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो आई होप अब आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ गया हो कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। अब फ्रेंड्स हम बात कर लें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका आखिरकार क्या होती है और फ्रेंड्स यूकैरियोटिक कोशिका आखिरकार क्या होती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक, जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर भलीभांति देख ही रहे हैं कि फ्रेंड्स इसका नाम क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी फ्रेंड्स क्या नाम है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स आखिर में होता क्या है, इसके बारे में हम चलिए फ्रेंड्स चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसके हम नाम से ही बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हम पता कर लेंगे कि फ्रेंड्स प्रो का मतलब होता है इनकम्प्लीट, यानी फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स प्रो का मतलब होता है, यानी फ्रेंड्स प्रो कार्योटिक दो शब्दों से मिलकर बना, यानी फ्रेंड्स प्रो से और कार्योटिक शब्द से। तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रो शब्द है, यानी फ्रेंड्स जो प्रो का मतलब होता है इनकम्प्लीट, और फ्रेंड्स कार्योटिक का मतलब होता है न्यूक्लियर, यानी फ्रेंड्स क्या कि जिसमें फ्रेंड्स इनकम्प्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है। फ्रेंड्स किसमें कह सकते हैं कि अपूर्ण केंद्रक पाया जाता है, यानी फ्रेंड्स जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं प्रो कार्योटिक सेल, यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो आई होप अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि प्रो का मतलब होता है इनकम्प्लीट, कैरियोटिक का मींस होता है कैरियन से, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये फ्रेंड्स जिसमें इनकम्प्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है, फ्रेंड्स अपूर्ण केंद्रक पाया जाता है उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर सेकंड देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स यू का मतलब होता है कह सकते हैं कि कंप्लीट, और फ्रेंड्स कैरियोटिक का मतलब होता है यानी कि न्यूक्लियस, फ्रेंड्स क्या कि जिसमें कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें केंद्रक जो केंद्रक होता है वो फ्रेंड्स कंप्लीट जो पूर्ण केंद्रक होता है वो फ्रेंड्स पाया जाता है उसे कहते हैं फ्रेंड्स यूकैरियोटिक सेल। तो आई होप अब आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो जिसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे कहते हैं फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें फ्रेंड्स केंद्रक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्या-क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसा कि मैंने यहां पर फ्रेंड्स लिखा भी है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी फ्रेंड्स डिफरेंस मतलब होता है अंतर बिटवीन मतलब के बीच प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका के बीच कह सकते हैं हम क्या करेंगे, तो इनका फ्रेंड्स डिफरेंस देखेंगे फ्रेंड्स, इनमें देखेंगे अंतर, यानी फ्रेंड्स इन दोनों में क्या-क्या अंतर आखिरकार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, मैंने यहां पर फ्रेंड्स पॉइंट बाय पॉइंट आप सभी को समझाने के लिए लिखा है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि मैं पहले इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट कौन सा है।
देन फ्रेंड्स इसमें हमारा सबसे जो पहला पॉइंट है वो फ्रेंड्स है मैंने लिखा यहाँ पर फ्रेंड्स कि न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट एंड हेरिडेटरी मटेरियल इज स्टेकर्ड यानी फ्रेंड्स स्केटर्ड इन साइटोप्लाज्म में। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा मैंने फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में लिखा है कि न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट यानी फ्रेंड्स जो इसमें केंद्रक होता है फ्रेंड्स न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक है तो केंद्रक इज मतलब है नॉट मतलब नहीं प्रेजेंट मतलब उपस्थित होता है। फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें फ्रेंड्स केंद्रक उपस्थित नहीं होता है एंड हेरिडेटरी मटेरियल फ्रेंड्स जो अनुवांशिक पदार्थ होता है इज स्केटर्ड यानी फ्रेंड्स बिखरा होता है इन साइटोप्लाज्म यानी फ्रेंड्स किसमें तो साइटोप्लाज्म में फ्रेंड्स क्या होता है तो बिखरा होता है। फ्रेंड्स मैंने अपने फर्स्ट पॉइंट के तक फ्रेंड्स आपसे के बारे में चर्चा किया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है फ्रेंड्स इसमें केंद्रक नहीं होता है और जो फ्रेंड्स अनुवांशिक पदार्थ हो या फिर जो हेरिडेटरी मटेरियल या फिर जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म में क्या होता है फ्रेंड्स स्केटर्ड होता है या फ्रेंड्स क्या होता है तो बिखरा होता है। ये फ्रेंड्स हमारा पहला पॉइंट हो गया प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। देखते हैं फ्रेंड्स कि यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में इसका जस्ट अपोजिट ही फ्रेंड्स यहां पर पॉइंट यूकैरियोटिक सेल्स में लिखा गया है कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट यानी फ्रेंड्स का जो फ्रेंड्स यूकैरियोटिक सेल्स होती है जैसे फ्रेंड्स जो न्यूक्लियस होता है फ्रेंड्स जो केंद्रक होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है तो वो फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है एंड हेरिडेटरी मटेरियल फ्रेंड्स जो अनुवांशिक पदार्थ होता है इज कन्फाइंड यानी फ्रेंड्स क्या होता है तो वो फ्रेंड्स सीमित रहता है टू न्यूक्लियस यानी फ्रेंड्स किसमें सीमित रहता है तो वो फ्रेंड्स केंद्रक में ही फ्रेंड्स क्या रहता है तो सीमित रहता है। तो आई होप आप सभी को पहला हमारा कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में पहला पॉइंट वाला यूकैरियोटिक सेल्स में पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसे फ्रेंड्स केंद्रक होता है जो फ्रेंड्स नहीं पाया जाता तथा जो फ्रेंड्स इसका अनुवांशिक पदार्थ होता है वो फ्रेंड्स कोशिका द्रव्य में क्या रहता है फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म में फ्रेंड्स कोशिका द्रव्य में फ्रेंड्स क्या रहता है तो बिखरा रहता है। ठीक इसी का फ्रेंड्स अपोजिट हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में है यानी फ्रेंड्स यूकैरियोटिक सेल्स में है कि केंद्रक जो इसमें होता है फ्रेंड्स यानी यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और जो फ्रेंड्स इसका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स इसका अनुवांशिक पदार्थ होता है वो फ्रेंड्स केंद्रक में ही फ्रेंड्स क्या रहता है कन्फाइंड रहता है फ्रेंड्स केंद्रक में ही फ्रेंड्स क्या रहता है तो सीमित रहता है। तो ये फ्रेंड्स इन दोनों का पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट है कि डीएनए इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन यानी फ्रेंड्स डीएनए यानी फ्रेंड्स डीएनए का मतलब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स डीएनए और आरएनए के अनुवांशिक पदार्थ हैं तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने लिखा है कि डीएनए यानी फ्रेंड्स क्या कि डीएनए इज विदाउट यानी फ्रेंड्स विदाउट का मतलब होता है के साथ नहीं होता है हिस्टोन प्रोटीन यानी फ्रेंड्स क्या कि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो फ्रेंड्स नहीं पाई जाती है। फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा बताया जा रहा है आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए के पास जो फ्रेंड्स हिस्टोन प्रोटीन यहां पर बताया जा रहा है कि नहीं पाई जाती लेकिन फ्रेंड्स ठीक इसी का अपोजिट आपको यूकैरियोटिक सेल्स में बताया जाता है कि डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स जो डीएनए होता है फ्रेंड्स जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है वो फ्रेंड्स हिस्टोन प्रोटीन के पास क्या होती है फ्रेंड्स पाई जाती है। तो यहां पर फ्रेंड्स ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि फ्रेंड्स जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं पाई जाती लेकिन फ्रेंड्स यूकैरियोटिक सेल्स में कह सकते हैं जो फ्रेंड्स डीएनए होता है वो फ्रेंड्स हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि तीसरा हमारा पॉइंट कौन सा है तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक ईआर गॉल्जी बॉडी लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर अब्सेंट यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल मैंने फ्रेंड्स पॉइंट आप सभी को बताने के लिए लिखा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी फ्रेंड्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है फ्रेंड्स झिल्ली युक्त कोशिकांग यानी फ्रेंड्स क्या कि मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली बाउंड का मतलब होता है युक्त ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है कोशिकांग यानी फ्रेंड्स झिल्ली युक्त कोशिकांग लाइक यानी फ्रेंड्स जैसे ईआर गॉल्जी बॉडी लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर अब्सेंट यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में यानी फ्रेंड्स क्या कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं जैसे ईआर गॉल्जी बॉडी लाइसोसोम एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये फ्रेंड्स क्या होते हैं तो ये फ्रेंड्स अब्सेंट होते हैं यानी फ्रेंड्स क्या होते हैं तो अनुपस्थित होते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसे फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि इसमें जो फ्रेंड्स हमारा जो गॉल्जी बॉडी होता है ईआर होता है लाइसोसोम होता है जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो फ्रेंड्स क्या होता है तो वो फ्रेंड्स अब्सेंट होता है फ्रेंड्स ये सभी क्या होते हैं फ्रेंड्स तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं लेकिन ठीक इसी का फ्रेंड्स अपोजिट हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में बताया जा रहा है कि आल ए आल आर प्रेजेंट यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि जितने भी चीज हैं यानी फ्रेंड्स ईआर गॉल्जी बॉडी लाइसोसोम और जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये सभी फ्रेंड्स यूकैरियोटिक सेल्स में जो फ्रेंड्स क्या होती है तो पाई जाती है। तो आई होप अब आप सभी को तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा चौथा पॉइंट कौन सा है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट स्टेरोल्स यानी फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त फ्रेंड्स और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट स्टेरोल्स यानी फ्रेंड्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मा झिल्ली होती है वो विदाउट यानी फ्रेंड्स उसमें उसके साथ नहीं पाई जाती किसके साथ नहीं पाई जाती तो फ्रेंड्स जो स्टेरोल्स होता है फ्रेंड्स क्या कि प्लाज्मा जो झिल्ली होती है उसमें फ्रेंड्स स्टेरोल्स जो होते हैं वो फ्रेंड्स नहीं पाए जाते हैं। फ्रेंड्स आप सभी को यहां पर ये बताया जाता है कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मा झिल्ली होती है फ्रेंड्स प्लाज्मा झिल्ली में कह सकते हैं जो फ्रेंड्स स्टेरोल्स होता है वो फ्रेंड्स नहीं पाए जाते लेकिन फ्रेंड्स
ठीक इसी का अपोजिट फ्रेंड्स यूकेरियोटिक सेल्स में बताया जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टोरेज, यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स प्लाज्मा जो झिल्ली है उसमें फ्रेंड्स स्टोरोल्स पाए जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को दोनों यहां पर अंतर आप सभी को डिफरेंस पता लग गया होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें फ्रेंड्स जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसमें फ्रेंड्स स्टोरोल्स नहीं पाए जाते, लेकिन फ्रेंड्स जो यूकेरियोटिक सेल्स होती है इसमें जो फ्रेंड्स प्लाज्मा झिल्ली होती है वो फ्रेंड्स स्टोरोल्स के साथ क्या होती है फ्रेंड्स तो पाई जाती है। ये फ्रेंड्स इसका चौथा अंतर हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पांचवा अंतर है इन फ्लेग्लम अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स इज नॉट 9+2 एंड फ्रेंड्स यही इसका ठीक फ्रेंड्स अपोजिट बताया जाता है यूकेरियोटिक सेल्स में कि माइक्रोट्यूबुल्स आर इन 9+2 अरेंजमेंट। एंड फ्रेंड्स इसका मतलब यहां पर फ्रेंड्स ये हो गया कि इन फ्लेग्लम यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसे फ्रेंड्स फ्लेग्लम होता है। यानी फ्रेंड्स क्या कि इसमें फ्रेंड्स एक पुंज की टाइप में दोनों साइड से फ्लेग्लम है। मैं फ्रेंड्स इसका जो फिगर यानी फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल का फिगर यूकेरियोटिक सेल का फिगर और फ्रेंड्स जो सेल होता है फ्रेंड्स जो ह्यूमन बॉडी का सेल होता है और जो फ्रेंड्स प्लांट का सेल होता है इन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने थर्ड पार्ट में या फोर्थ पार्ट में आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, मैं फ्रेंड्स उसको कंप्लीटली आप सभी को समझाने वाला हूं। मैंने फ्रेंड्स इसके लिए काफी सारे ग्राफ मैंने अभी बना रखे हैं और फ्रेंड्स मैं भी कुछ बनाने वाला हूं तो उसको फ्रेंड्स अपने एक साथ ही बताऊंगा। तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आप सबको इसका डिफरेंस आप थोड़ा बहुत समझते चलिए। आप सभी को मैं कंप्लीटली वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर पांचवें पॉइंट में क्या बताया, मैंने फ्रेंड्स पांचवें पॉइंट में बताया कि इन फ्लेजलम यानी फ्रेंड्स फ्लेजला में अरेंजमेंट यानी फ्रेंड्स क्रम व्यवस्था होती है आप माइक्रोट्यूबुल्स या फ्रेंड्स माइक्रोट्यूबुल्स की इज नॉट 9+2। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसके फ्रेंड्स फ्लेजला में जो माइक्रोट्यूबुल्स होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स माइक्रोट्यूबुल्स होता है इसमें फ्रेंड्स 9+2 की फ्रेंड्स क्या कि 9+2 की कह सकते हैं कि क्रम व्यवस्था नहीं होती है। फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फ्रेंड्स जो फ्लेजला होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्लेजलम होता है ये फ्रेंड्स एक पाइप की भात होता है और फ्रेंड्स इसमें कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं। फ्रेंड्स क्या कि कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं तो जैसे फ्रेंड्स 9 जो फाइबर्स होते हैं वो फ्रेंड्स कुंडलित होते हैं। फ्रेंड्स क्या कि 9 फाइबर्स में फ्रेंड्स कुंडलित होते हैं और जो फ्रेंड्स 2 फाइबर्स पाए जाते हैं ये फ्रेंड्स एकदम सीधे पाए जाते हैं। तो वहीं फ्रेंड्स वहीं प्लस यहां पर फ्रेंड्स लिखा गया 9+2 का कह सकते हैं कि अरेंजमेंट। तो यहीं फ्रेंड्स यहां पर लिखा गया कि फ्लेजलम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 9-2-11 पाइपों से मिलकर कुछ फाइबर्स से मिलकर बना होता है। जैसे फ्रेंड्स जो 9 फाइबर होता है वो फ्रेंड्स कुंडलित होता है, जो फ्रेंड्स 2 फाइबर होते हैं वो फ्रेंड्स उन्हीं कह सकते हैं 2 फाइबरों को वो 9 फाइबर जो होते हैं वो फ्रेंड्स कुंडलित किए रहते हैं। तो फ्रेंड्स 9+2 की क्रम व्यवस्था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को बताया जा रहा है कि जो फ्लेजलम होता है इसमें फ्रेंड्स जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं इसके जो फ्रेंड्स क्रम व्यवस्था होती है वो फ्रेंड्स 9+2 की नहीं होती है, लेकिन फ्रेंड्स ठीक इसी का अपोजिट आप सभी को यूकेरियोटिक सेल्स में बताया जा रहा है कि जो फ्रेंड्स फ्लेजलम में कह सकते हैं कि यूकेरियोटिक सेल्स के फ्लेजलम में जो फ्रेंड्स माइक्रोट्यूबुल्स होता है इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो 9+2 की जो क्रम व्यवस्था होती है वो फ्रेंड्स इसमें माइक्रो कह सकते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में होती है। तो ये फ्रेंड्स पांचवा अंतर हो गया। तो आई होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा छठवां अंतर देखते हैं कि कौन सा है। तो फ्रेंड्स छठवां अंतर है कि राइबोसोम्स आर 70 स्टेप यानी फ्रेंड्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है इसमें फ्रेंड्स जो राइबोसोम होता है वो फ्रेंड्स 70 एस प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं तो फ्रेंड्स तो 70 एस प्रकार के होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ठीक इसी का अपोजिट फ्रेंड्स हमारे यूकेरियोटिक कोशिका में बताया जा रहा है कि राइबोसोम्स आर 80 एस टाइप यानी फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स यूकेरियोटिक कोशिका होती है इसमें फ्रेंड्स जो राइबोसोम होते हैं वो फ्रेंड्स 80 एस प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स तो 80 एस प्रकार के होते हैं। तो आई होप आप सभी को कह सकते हैं छठवां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो राइबोसोम होता है वो फ्रेंड्स 70 एस प्रकार के पाए। फ्रेंड्स काफी बार हमारी बॉडी में पूछा भी गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होता है फ्रेंड्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स 70 एस प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है फ्रेंड्स जो राइबोसोम होते हैं वो फ्रेंड्स 80 एस प्रकार के पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि सातवां पॉइंट हमारा कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा सातवां पॉइंट है कि वेक्यूल्स आर अब्सेंट यानी फ्रेंड्स जो रिक्तिकाएं होती हैं वो फ्रेंड्स नहीं पाई जाती हैं। फ्रेंड्स क्या होती है तो अब्सेंट होते हैं। फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो रिक्तिकाएं पाई जाती हैं वो फ्रेंड्स क्या होते हैं तो वो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें फ्रेंड्स रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो यूकेरियोटिक सेल्स होता है उसमें फ्रेंड्स वेक्यूल्स आर प्रेजेंट यानी फ्रेंड्स जो रिक्तिकाएं होती हैं वो फ्रेंड्स उपस्थित होती है। यहाँ पर आई होप आप सभी को सातवां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें फ्रेंड्स जो रिक्तिकाएं होती हैं वो फ्रेंड्स अब्सेंट होती हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है उसे फ्रेंड्स जो वेक्यूल्स होता है फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो रिक्तिकाएं होती है वो फ्रेंड्स क्या होती हैं तो प्रेजेंट होती है। तो आई होप आप सभी को सातों कह सकते हैं पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा आठवां पॉइंट कौन सा है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में कह सकते हैं कि आठवां पॉइंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट यानी फ्रेंड्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली होती है फ्रेंड्स क्या होता है जो फ्रेंड्स प्लाज्मा झिल्ली होती है वो फ्रेंड्स प्रेजेंट होने फ्रेंड्स कैसे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है फ्रेंड्स प्लाज्मा झिल्ली प्रेजेंट होती है, लेकिन फ्रेंड्स ठीक सेम ही फ्रेंड्स ये भी यूकेरियोटिक सेल्स में होता है। फ्रेंड्स कुछ इसमें कह सकते हैं समानता भी आप सभी को मैं बताना चाहता हूं क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी समानताएं से पूछी जाती है फ्रेंड्स कभी कभी डिफरेंस में काफी बच्चे गलत कर आ जाते हैं या फ्रेंड्स सोचेंगे कि जब
यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है तो फ्रेंड्स यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती होगी, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है यार, फ्रेंड्स कुछ समानताएं भी फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स से रिलेटेड है, तो उन समानताओं को भी फ्रेंड्स जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने फ्रेंड्स इसलिए आपने आपसी को दो या तीन समानताएं मैंने फ्रेंड्स इसे कह सकते हैं कि 8 पॉइंट से लेकर 14 पॉइंट तक मैंने लिख दिया। तो देखते हैं फ्रेंड्स कौन-कौन सी समानताएं इसमें भी हैं। तो जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन फ्रेंड्स ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें भी फ्रेंड्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है तो प्रेजेंट होने यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स प्लाज्मा झिल्ली होती है वो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में और फ्रेंड्स यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों में फ्रेंड्स क्या होती है तो पाई जाती है। फ्रेंड्स सबसे कह सकते हैं बड़ी समानता पहली समानता हो गई। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नौवां पॉइंट कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा नौवां पॉइंट है कि राइबोसोम्स इज नॉट लार्ज, यानी फ्रेंड्स जो प्रोकैरियोटिक कोष का होती है इसे फ्रेंड्स जो राइबोसोम होता है यानी फ्रेंड्स क्या कि जो आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स जो प्रोकैरियोटिक कोष का होता है इसमें फ्रेंड्स 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने फ्रेंड्स अभी ये भी बताया कि यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के और फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के पाए जाते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स अपने नौवें पॉइंट में ये भी आप सभी को समझाने के लिए लिख दिया कि जो फ्रेंड्स इसमें राइबोसोम होते हैं वो फ्रेंड्स कैसे होते हैं तो वो फ्रेंड्स सूक्ष्म होते हैं फ्रेंड्स स्मॉल होते हैं ना कि लार्ज होते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स इसीलिए यहां पर अपने नौवें पॉइंट में लिख दिया कि राइबोसोम इज नॉट लार्ज, यानी फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोष का में जो राइबोसोम होते हैं वो फ्रेंड्स लंबे नहीं होते हैं बल्कि कैसे होते हैं तो फ्रेंड्स स्मॉल होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ठीक इसी का अपोजिट फ्रेंड्स हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में बताया जाता है कि राइबोसोम इज लार्ज, यानी फ्रेंड्स क्या होता है तो जो फ्रेंड्स यूकैरियोटिक कोष का होती है फ्रेंड्स जो राइबोसोम होता है वो फ्रेंड्स कैसे होते हैं तो वो फ्रेंड्स लंबे होते हैं, फ्रेंड्स कैसे होते हैं तो फ्रेंड्स लार्ज होते हैं। तो आई होप आप सभी को नौवां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा दसवां पॉइंट कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा दसवां पॉइंट है कि सेल साइज इज स्मॉल, कह सकते हैं कि लगभग 5 माइक्रोमीटर, यानी फ्रेंड्स कितना तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है फ्रेंड्स क्या कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसे फ्रेंड्स हम बात की कोशिका की जो फ्रेंड्स साइज कितनी होती है फ्रेंड्स क्या कि इसका फ्रेंड्स जो आकार होता है वो फ्रेंड्स कितना होता है तो कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा होता है और फ्रेंड्स लगभग कितना होता है तो फ्रेंड्स लगभग 5 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है फ्रेंड्स तो लगभग 5 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन फ्रेंड्स बात करें हम फ्रेंड्स यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में कि फ्रेंड्स जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत जो फ्रेंड्स कोशिकाएं पाई जाएंगी फ्रेंड्स जो सेल पाई जाएंगी उसके फ्रेंड्स साइज कितना होगा तो उसका फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स साइज होता है वो फ्रेंड्स कुछ बड़ा होता है फ्रेंड्स लार्ज होता है लगभग कितना होता है तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है फ्रेंड्स तो 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। तो आई होप आप सभी को 10वां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। जो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में यानी फ्रेंड्स जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है वो बहुत ही सूक्ष्म होती हैं लगभग 5 माइक्रोमीटर के आसपास और जो फ्रेंड्स यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं फ्रेंड्स जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो फ्रेंड्स उसकी जो साइज होती है फ्रेंड्स साइज सेल की साइज जो होती है फ्रेंड्स वो बहुत ही बड़ी होती है लगभग 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा ग्यारहवां पॉइंट कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा ग्यारहवां पॉइंट है कि साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, यानी फ्रेंड्स क्या मैंने फ्रेंड्स अपने प्रीवियस वीडियो में कल आप सभी को साइटोप्लाज्म के बारे में बताया भी था बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस भी किया। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को ये भी बता दूं अपने ग्यारहवें पॉइंट में कि जो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं फ्रेंड्स जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जो फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म होते हैं वो फ्रेंड्स क्या होते हैं तो वो फ्रेंड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स सेम ही फ्रेंड्स ये गुण हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं, यानी फ्रेंड्स इसमें भी बताया जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक इज क्या होते हैं यानी सॉरी फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म इज क्या होते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट, यानी फ्रेंड्स कहते हैं जो फ्रेंड्स हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है जो फ्रेंड्स हमारा यूकैरियोटिक सेल्स होता है इन दोनों सेलों में फ्रेंड्स जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है तो प्रेजेंट होता है। ये फ्रेंड्स कहते थे दूसरी हमारी समानता हो गई, आप सभी ने दूसरी समानता को भी देखा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा बारहवां नंबर पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा बढ़ावा नंबर पॉइंट है कि ग्रोथ रेट इज फास्टर, या फ्रेंड्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं फ्रेंड्स कि जो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो फ्रेंड्स ग्रोथ रेट होता है फ्रेंड्स जो बढ़ने की क्षमता होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है तो बहुत ही फास्ट होती है। फ्रेंड्स कहते हैं जो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती है फ्रेंड्स बहुत ही तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनकी फ्रेंड्स जो ग्रोथ रेट होता है फ्रेंड्स जो उनके बढ़ने की जो दर होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है तो वो वेरी स्लोअर या फ्रेंड्स क्या होती है तो बहुत ही धीमी होती है। तो आई होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती वो फ्रेंड्स बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो फ्रेंड्स बहुत ही स्लो गति से क्या होती हैं तो बढ़ती हैं। ये फ्रेंड्स हमारा बढ़ावा पॉइंट हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तेरहवां पॉइंट कौन सा है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तेरहवां पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स में कि ऑर्गेनेल्स टाइप इज यूजुअली यूनिसेलुलर, यानी फ्रेंड्स कैसे जो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जिसमें फ्रेंड्स ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स अंगों के फ्रेंड्स टाइप होते हैं जो अंगों के प्रकार होते हैं वो फ्रेंड्स कैसे इसमें जो अंगों के प्रकार फ्रेंड्स इनमें से कौन सी कोशिकाओं के अंगों के प्रकार होते हैं तो वैसे भी फ्रेंड्स यूनिसेलुलर होते हैं फ्रेंड्स कैसे होते हैं तो फ्रेंड्स एक कोश के होते हैं फ्रेंड्स जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं इसमें कह सकते हैं जो फ्रेंड्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स अंग पाए जाते हैं जैसे
फ्रेंड्स, जिससे जो अंग बनते हैं वो फ्रेंड्स अधिकांशता कैसे होते हैं, तो वो फ्रेंड्स यूनिसेल्यूलर होते हैं। फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो फ्रेंड्स एक कोष के होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ठीक इसी का अपोजिट फ्रेंड्स हमारे यूकैरियोटिक कोष का में पाया जाता है। फ्रेंड्स इसके ऑर्गेनेल्स टाइप होते हैं वो फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो वो फ्रेंड्स मल्टीसेल्यूलर होते हैं। फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो वो फ्रेंड्स मल्टीसेल्यूलर होते हैं। तो आई होप आप सभी को तरह पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोष कायम होते हैं, फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है इसमें जो फ्रेंड्स ऑर्गेनेल्स टाइप होती है वो फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो वो फ्रेंड्स यूनिसेल्यूलर होते हैं। लेकिन जो फ्रेंड्स हमारा यूकैरियोटिक कोष का होता है इसमें फ्रेंड्स जो ऑर्गेनेल्स टाइप होते हैं वो फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो वो फ्रेंड्स मल्टीसेल्यूलर या फ्रेंड्स बहुकोशिकीय होती है। तो आई होप आप सभी को तेरहवां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा लास्ट पॉइंट 14वां फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आखिरकार प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं इसके फ्रेंड्स एग्जांपल क्या-क्या हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो एग्जांपल है फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन मैंने एग्जांपल आप सभी के लिए लिखा है। तो फ्रेंड्स जो इसका एग्जांपल है वो फ्रेंड्स कौन-कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स बैक्टीरिया एंड आर्किया, यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड आर्किया। बात करें फ्रेंड्स हम यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जांपल के बारे में, तो इसका फ्रेंड्स एग्जांपल है एनिमल्स प्लांट फंजाई एंड प्रोटिस्टिक सेल्स, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो जंतु होते हैं फ्रेंड्स जो एनिमल्स होते हैं फ्रेंड्स जो जंतु होते हैं वो होते हैं, प्लांट यानी फ्रेंड्स जो पौधे होते हैं वो फ्रेंड्स मल्टीसेलुलर होते हैं, फंजाई यानी फ्रेंड्स ये भी मल्टीसेलुलर होते हैं, जो प्रोटिस्टिक सेल्स जितने भी होते हैं वो सभी फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो मल्टीसेलुलर होते हैं। और जो फ्रेंड्स मल्टीसेलुलर होते हैं वो फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो वो फ्रेंड्स यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो आई होप आप सभी को कंप्लीटली समझ में, मैंने फ्रेंड्स 14 पॉइंट आप सभी को समझाया है और फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आई होप आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मैंने फ्रेंड्स यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब पर फ्रेंड्स काफी सारे वीडियो को भी लेवल पर देखता हूं मैं, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स मैं किसी की वीडियो को नहीं देखता, मैं फ्रेंड्स प्रॉपर आप सभी के लिए कुछ ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड्स आप सभी को यूट्यूब पर किसी ने भी ना प्रोवाइड किया आप सभी को फ्रेंड्स 14 पॉइंट किसी भी टीचर ने अभी तक पूरे यूट्यूब पर किसी भी ने कह सकते हैं कि प्रोवाइड नहीं कराया है ना फ्रेंड्स इतना डिटेल से आप सभी को किसी ने बताया है। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए जब इतना हार्डवर्क करता हूं आप सभी के लिए मैं फ्रेंड्स इतना ज्यादा हार्डवर्क करता हूं, तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार के लिए भी फ्रेंड्स कुछ ना कुछ कीजिए, जरूर से जरूर फ्रेंड्स आप सभी को 50% भी ये वीडियो समझ में आ गया हो। मैं फ्रेंड्स सबसे ज्यादा एक बात आप सभी को नोटिस कराना चाहता हूं, मैं फ्रेंड्स बताना भूल गया कि आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स इसका नोट बनाते हो चले, जब तक फ्रेंड्स आप सभी नोट नहीं बनाएंगे तब तक फ्रेंड्स आप सभी बहुत ही बेहतरीन रूप से अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी नोट्स बनाते हो चले, आप सभी के लिए फ्रेंड्स ये फ्यूचर का एक सवाल है, कहते हैं कि फ्रेंड्स आप इतना 30-32 मिनट तो आप अपने कह सकते हैं कि अपने एक घंटे की क्लास के लिए तो खर्च कर सकते हैं, 24 घंटे में आप भी 30 कर सकते हैं कि आधा घंटा तो खर्च ही कर सकते हैं अपने पढ़ाई के पीछे, तो आप लोग जरूर से जरूर ऐसा कीजिए, नोट्स बनाते हो चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स नोट ही बाद में आपके लिए काम आएगा। क्योंकि जब फ्रेंड्स मैं कह सकता हूं कि जब फ्रेंड्स आपको मल्टीपल क्वेश्चन का जब सीरीज चलाऊंगा तो उसमें फ्रेंड्स आपकी का नोट्स ही साथ देगा, तो इसलिए फ्रेंड्स आपसे नोट्स जरूर से जरूर बनाते हो चलिए, तभी फ्रेंड्स आपकी 90+ मार्क्स को अचीव कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को 50% यानी फ्रेंड्स ये वीडियो 50% भी समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को फ्रेंड्स यदि आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स यही एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके माध्यम से फ्रेंड्स आप सभी को सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा ये कमेंट करके बताना कि आप सभी को जो फ्रेंड्स ये वीडियो है वो कैसा लगा, और फ्रेंड्स आप सभी का जो नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए वो फ्रेंड्स कौन सा होना चाहिए, फ्रेंड्स आप सभी को कोई कैसे टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फ्रेंड्स उसका कमेंट वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में क्या करें फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।